नमस्कार मित्रांनो, जय गुरुदेव मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण आलो आहोत वेरावळ येथे। इकडनं तुम्हाला सोमनाथ 3 ते 4 किलोमीटर अंतरावर आहे। तर तुम्हाला मेनली वेरावळच्या इथे तुम्ही जर बघाल तर मागे आपण आलेलो आहे भालका तीर्थधामच्या इथे आलेलो आहे। तर आता आपण ह्याच्या आत जाऊया आणि आपण बघूया एक भालका तीर्थ। या जागेची पौराणिक कथा अशी सांगितली जाते, महाभारतात एक जरा नावाचा शिकारी होता। एकदा श्रीकृष्ण वेरावळ येथील जंगलामध्ये पिंपाच्या झाडाखाली ध्यान मुद्रामध्ये बसले होते। तेव्हा हा जरा नावाचा शिकारी या जंगलामध्ये शिकार करण्यासाठी आला होता। ध्यान अवस्थेत श्रीकृष्णाच्या पायातील मणी चमकत होता। हा चमकत असणारा मणी दुरून या शिकाराने हरणाचा डोळा समजला। आपल्या हातून धनुष्यबाणाने या हरणाची शिकार करण्यासाठी लांबून हा बाण चालवला व तो बाण थेट श्रीकृष्णाच्या पायात घुसला व त्याच्या पायातून खूप रक्त वाहू लागले। जेव्हा शिकारी जवळ आला तेव्हा त्यास कळले की ज्याला आपण हरणाचा डोळा समजत होतो तो खरं तर श्रीकृष्णाचा डावा पायावरील मणी होता। त्या शिकाऱ्यास आपण केलेल्या चुकीचा खूप पश्चाताप होऊ लागला व तो श्रीकृष्णाची माफी मागू लागला। श्रीकृष्ण त्यास म्हणाले, जे पण घडले आहे ते स्वयं माझ्या इच्छेनुसार घडले आहे, असे म्हणून श्रीकृष्णाने शिकाऱ्यास माफ केले व श्रीकृष्णाने अशा प्रकारे या पृथ्वीवर आपली लीला संपवून निजधाम प्रस्थान केला। भल्ल म्हणजे बाण म्हणून या स्थानास भालका तीर्थ असे म्हटले जाते। अशा पद्धतीने स्वयं श्रीकृष्णाच्या स्पर्शाने पावन झालेली ही भूमी आहे। हे भालका तीर्थ सोमनाथ मंदिरापासून 4 ते 5 किलोमीटर अंतरावर आहे। या अशा पावन जागेचं आम्ही दर्शन घेऊन तिथून आम्ही सोमनाथला गेलो आणि सोमनाथवरून तयेटीला आम्ही पोचलो। तयेटीवरला गेल्यानंतर आमचा एक नवीन प्लॅन बनला, तो म्हणजे तिथे असलेले कावा हे पेय प्यायचा। आपण आत्ता आलो आहोत गुजरातमध्ये आणि तयेटीच्या इथे आहोत आणि आता आपण बेस्ट इकडचं जे पेय आहे कावा हे आपण बघणार आहोत। हे आपला नाम बताओ पहिले। नितेश। नितेश, अभी आप कावा कैसे बनता और क्या क्या कर रहे पहले बताओ। ये अभी पहले लींबू आएगा इसके अंदर। लींबू डाल दिया। हाँ ठीक है। फिर इसके अंदर देखो ये वापिस बताओ। ठीक से पहले अदरक, ये पुदीना। हाँ ये अदरक हो गया, ये हो गया पुदीना, ये हो गया नमक, ये काला नमक, ये मरी पाउडर, ब्लैक पेपर, ये तुलसी पाउडर है, ये आमला पाउडर, ये अपने अनार आते नहीं, अनार पाउडर है। अब इसके अंदर जो अपना कावा है ये इसके अंदर कावा है। हाँ। इसमें हंडी में क्या क्या है पहले बताओ। इसमें गुंदाना, दज, तीखा, लौंग, बाजिया, जायफल, आमला पाउडर, लिंडी पीपर है, सूट पाउडर, अजमा पाउडर, पिपरामूर, जावेत्री, अड़ोसी पान, काला इलायचा, इलायची, गड़ा, अर्जुन गड़ा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो खोल के दिखाओ। काला काला है क्या वो? हाँ दिखने में काला होगा पर इसके फायदे बहुत ज्यादा है अपने लिए। ये मैंने बोले उससे भी ज्यादा इसके अंदर मसाले हैं। अब अपना कावा रेडी हो रहा है। इसके अंदर नींबू है, ये नींबू है, अब इसके अंदर आ गया अदरक। अदरक डाला। हाँ अदरक। इसके बाद ये अदरक हो गया। हाँ अब नमक आएगा स्वाद अनुसार। नमक। हाँ ये हो गया काला नमक। हाँ काला नमक। हाँ ये मिरी पाउडर। ठीक है काली मिरी। हाँ काली मिरी पाउडर। ये हो गया मिरी पाउडर। ओके ये हो गया आमला पाउडर। आमला पाउडर। हाँ आमला आमला आपका है ना वो। ये हो गया तुलसी पाउडर। तुलसी पाउडर। तुलसी पाउडर। ये हो गया अनार पाउडर। अनार आता ना उसका। अनार का पाउडर। अनार का सुखा के करते। हाँ अरे वाह। ये हो गया हरा पुदीना। हाँ पुदीना सुक्रस करके डाला। हाँ ऐसे ये हो गया क्रश। मैं अपना ये एक दिन का नहीं है, ये 365 ही अपने यही खड़े रहते। इधर ही खड़े रहते क्या? मतलब इससे बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी ये क्या रहता है क्या अभी मेले के? अरे मैंने वहाँ पे बोट ढूंढा आगे लेकिन वहाँ पे की तो कावा वाला ही नहीं है। कोई नहीं होगा ना भैया, ये चीज है नहीं। ज्यादा पीता नहीं है क्या पब्लिक? ये यहाँ की फेमस चीज है और ये आपको यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ मालूम है, लेकिन वो पब्लिक तो वहाँ पे होना चाहिए ना, इतना ज्यादा पब्लिक है लेकिन वहाँ पे कावा वाला ही नहीं है। ये चीज हमारा थोड़ा रात का बिजनेस है तो रात को क्या है पब्लिक होती है। हाँ ठंडी के टाइम। ठंडी के टाइम इसे देखो फायदे बहुत है इसके। इसके अंदर क्या डालना है? इसके अंदर कावा आएगा। कावा आएगा तो हो गया।
हाँ, तो अपना कावा रेडी हो जाएगा, मसाला रेडी हो गया, हाँ, मसाला रेडी हो गया, ये कावा हो गया। इसके फायदे जैसे सर्दी है, खांसी, जुकाम, एसिडिटी है, पाचन क्रिया कमजोर है, कोई भी बीमारी हो, मतलब ये फायदा करता है, इसका जरा सा भी नुकसान नहीं है। नहीं ये देखो गड़ा देख लो आप, ये हो गया तांबे का गड़ा, एक नंबर एक नंबर। प्लीज ये हो गया कावा में आ रहा है, पहले टेस्ट करो जाता अपन। हेलो हाँ जन्नत जन्नत एक नंबर भाई, एक नंबर बनाया, हाँ एक्सलेंट एक्सलेंट। दो भाई कावा दो इधर, इनको दे दो, हाँ हाँ दे दो इधर, जबरदस्त। तुम्ही इथे जुनागढला याल तर कावा नक्की प्या, कावा बिल्कुल मिस करू नका। अभी नाम बताओ कावा की गाड़ी। महाकाल, महाकाल लारी पे आप खड़े हो, महाकाल गाड़ी, हाँ महाकाल लारी मतलब कावा के लारी। ये पार्किंग के सामने है ना? हाँ पार्किंग के सामने एग्जैक्ट। ये देखो ये दूधेश्वर महादेव है यहाँ पे सामने, ओके हाँ, इसके एग्जैक्ट सामने दो लारी खड़ी रहती है। तो जूनागढ़ की इधर आप आओगे तो सामने बड़ा पार्किंग है, पार्किंग के समोर त्यांची गाड़ी है। ये गाड़ी का नाम क्या है? महाकाल, महाकाल गाड़ी है। इससे थोड़े आगे एक और खड़ी है भैरवनाथ, तो महाकाल गाड़ी और आता हूँ कावा पीतो है, एक्सलंट है, तुम्हें सगैंनी आने ट्राई करा। जय गिरनारी, जय गिरनारी।